पड़ा है। आप लोग देख रहे हो सामने स्लाइड में लिखा हुआ है, इससे पहले क्या पता था आपको यही साइज है हमारी इंडस्ट्री का? यू आर अवेयर ऑफ दिस। देखो अगर यहाँ पे पढ़ के बोल रहे हो या अपना सेल्फ असेसमेंट करके बोल रहे हो, इट इज अप टू यू। मैं लेक्चर दूंगी, बात करूंगी, चली जाऊँ, बट असेसमेंट आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा। फाइनल ईयर भी है, थर्ड ईयर भी आए यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए भी नेक्स्ट ईयर यही टाइम आने वाला है जो भी फाइनल ईयर वाले। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर साइज। अभी तक सिविल वालों के दिमाग में ये चलता है यार कुछ नहीं है हमारी लाइफ, यही है, वी आर नॉट फोकस्ड। कि हम लोग अभी 6 महीने बाद जब निकलेंगे तो क्या करेंगे? आर यू पीपल फोकस्ड? 2 or 3 सिर्फ 2 या 3 फेसेस ऐसे हैं जिनके फेसेस पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यू हैव डिसाइडेड समथिंग, यू एंड यू ओनली, टू इधर नो वन। यहाँ पे कुछ ये हद तक लग रहे बड़ी बड़ी करके, यू आर नॉट फोकस्ड। फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घुसा के बैठे हैं, या हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे लिए कौन सी लाइन हुई हुई है जिसमें हम लोग जा सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सुनने के बजाय थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते जाए प्लीज पूछते चलिएगा, क्योंकि मैं और विनोद यहाँ पे दिल्ली से भी 50 किलोमीटर आउटर से आए हैं यहाँ तक आप लोगों से बात करें। इसीलिए मैंने यहाँ है कि मेरा कोई अपना म्यूचुअल बेनिफिट है या मेरे डिपार्टमेंट का कोई म्यूचुअल बेनिफिट है, ये सिर्फ इसीलिए है कि इंडस्ट्री में आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। बट वो ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोगों को जाना है। यू आर नॉट डिफाइंड। दिमाग में ये जरूर रखते हैं, आप सिविल कर लिया है, जैसे उन्होंने बोला मैं कंपनी खोल लूँगा, यदि आप प्लान की कैसे खुलेगी वो कंपनी, उस कंपनी को खोलने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या नॉलेज मेरे लिए रिक्वायर्ड होगी जिसके बाद में कंपनी खोलता हुआ, कंपनी सिर्फ कह देने से नहीं लाइक कोई बदमाश कंपनी बनवाएगी, वो तो यूँ ही खुल गई थी, बट वो सिर्फ मूवीज में ही रह जाता है, इट्स नॉट इन एक्चुअल लाइफ। बट अगर फ्रॉड की बात करूँ तो आज की डेट में बड़ी जल्दी जल्दी फ्रॉड होता है, कॉल सेंटर्स खुलते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, पॉलिसी बट यू आर यंग इंजीनियर्स, तो इंजीनियर्स क्या होते हैं? क्रिएटर्स एंड जनरेटर्स। तो आप लोगों को 2 उपाधि मिलती है, आप लोग क्रिएट भी करते हो और क्रिएट करने के बाद उसको जनरेट भी करते हो, तो अपनी पावर को एक्चुअली एक्सक्यूट कीजिए, समझिए आप लोग की क्या पावर है और क्या स्ट्रेंथ। अच्छा ये बताइए इंजीनियरिंग में सबसे टॉप पे कौन सी इंजीनियरिंग? एक एक करके मैकेनिकल सिविल, इधर से सिविल, एक बोला सिविल, पीछे आप क्या बोले? नहीं आपने कुछ सिविल, आपका भी सिविल, दो आए बस मैकेनिकल और सिविल, सी एस पी आया था बी एस सी का। अच्छा सी एस वाले जो बोल रहे थे उनके लिए सी एस क्यों और जो सिविल बोल रहे हैं वो सिविल? शशांक प्लीज खड़े होके बोल दो सभी को, पर्दा होना चाहिए सभी को। ऐसा बोल रहे हैं सिविल में जॉब नहीं है, कॉलेजेस अपनी सीट छोड़ रहे हैं, बैकअप ले रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ने सिविल बंद कर दी है, बच्चा सिविल में एडमिशन नहीं ले रहा, तो सिविल कैसे टॉप है? या वैसे ही भाव में भर के भाव में बोर होके बस सिविल बोल दिया था?
क्योंकि मैं बिना किसी पसंदी पार्ट जैसे कि मिक्सर हो गई मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सपोर्ट होना चाहिए और अभी शुरू हुआ है पटनी की बात कर रहा हूँ जो भी मतलब इंजीनियरिंग की बात की जाए तो पटना जो है मैकेनिकल भी है क्योंकि उसी ने ही इंजीनियरिंग को डेवलप किया है उसी से अदर चलिए अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं सिविल टॉप पे ऑटोमेटिकली जिस ब्रांच में हम लोग हैं वही टॉप पे दूसरी क्यों जाएगी टॉप पे अगर हम सिविल वाले तो सिविल टॉप पे बाहर में गई सीएस और फॉरियर मैकेनिक मैं इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग ना अपनी फील्ड को लेकर जनरेटेड नहीं अभी शायद मेरा 12वां या 13वां कॉलेज है जहाँ पे आप लोगों के चेहरे पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ जानना चाहते हैं नहीं तो बहुत सारे कॉलेज में जाके ना बच्चा एकदम ऐसे सोच कि आप कुछ भी बोल मेरे को सब पता है कुछ नहीं होने के लिए बहुत कुछ है बट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कब जागते हो एक कहावत है ना जब जागो तो आप लोगों के लिए भी टाइम है कि आप लोग जाग जाओ और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल हाई टाइम है कि आपको जागना ही पड़ेगा मतलब आपको छोड़ना पड़ेगा अपने आप को कि भाई अब उठ जाओ इट्स द फाइनल टाइम अच्छा आप लोगों के बाद मतलब आप लोगों के लिए बीटेक करने के बाद कौन कौन से ऑप्शन हैं क्या क्या कर सकते हैं आप लोग कॉमन जॉब फर्स्ट उसके अलावा हायर स्टडीज दो प्राइवेट जॉब तीन चार फैकल्टी किसी को नहीं बनना क्यों करो उनको फिर फैकल्टी किसी को नहीं बनना बहुत जमा की होती है